तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग 240 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके पानीपत के निवासियों को सौगात दी है, जिनमें 190 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और 56 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में लगभग 246 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। सीएम ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पानीपत के स्काईलार्क पर्यटन केंद्र से ये शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें से लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत के विभिन्न कॉलोनियों में विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 23.40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हाली पार्क में ओपन एयर थिएटर का शिलान्यास किया, जिस पर 1.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम ने नई अनाज मंडी में शेड के निर्माण का भी शिलान्यास किया। पानीपत जींद रेलवे लाइन LC नंबर 54 पर लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से ROV और जींद पानीपत सेक्शन पर LC नंबर 55 पर लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से बने ROV का उद्घाटन किया। पानीपत सफीदो सड़क पर लगभग 525 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन के पुल और 250 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नोहरा से आसन कला सड़क का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गांव सिवाह में लगभग 2,918 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम, सौदामिनी में लगभग 230 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय केंद्र और पानीपत के सहभागी में विशेष स्कूल का भी शिलान्यास किया, जिस पर लगभग 570 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सीएम ने पानीपत के विभिन्न सड़कों और सेक्टर 29 में बनाए गए STP का भी उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।